सही साथ जो है ना मेरे साथ में है, ऑल न्यू महिंद्रा 3XO AX5 पेट्रोल, इसका ये मैनुअल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट। अब इसमें जो है ना गाइस, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है वो आज अपन टेस्ट करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ में ये मैनुअल में जो है अपने साथ, ऑटोमेटिक वेरिएंट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना वो मैं आपको बता दूँ, गुड़गांव हरियाणा में लगभग 13,91,000 के आसपास ये ऑन रोड आपको पड़ेगी। जबकि पेट्रोल में भी आप लेते हो नॉर्मल जो अपना पेट्रोल इंजन है उसमें आपको ये अराउंड 2,00,000 रुपये सस्ती पड़ जाएगी। तो इतना डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अभी इसको ड्राइव करते हैं और देखते हैं भाई कैसी है गाड़ी चलने में। उससे पहले वो टायर साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, MRF का जो है ना वंडर टायर इसके अंदर डला हुआ है, अराउंड जो है 205/65 R16 की प्रोफाइल है। ये जो डायमंड कट व्हील्स हैं पहले भी ऐसे ही आते थे, तो सिर्फ टॉप एंड मॉडल में वो चेंज हुए हैं। टॉप एंड मॉडल तो भाई देखने के लिए भी नहीं मिल रहा, MX3 Pro और यही अपने को देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने मिल जाएगी और इंटीरियर में जो भाई आपको ये फैब्रिक सीट्स मिलेंगी और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर। यहाँ से जब मैं देखता हूँ ना इस गाड़ी को तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है फ़ैन की स्पीड अपन कम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी यार अंदर से ना इंटीरियर में जब आप बैठोगे तो आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगी गाड़ी। अभी मैं आपको ड्राइव इंप्रेशन शेयर करता हूँ इस गाड़ी के। सही, अभी जो ना अपन ड्राइव करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं भाई ये जो गाड़ी है ना फिलहाल डीजल में मेरे साथ है, जो कि अराउंड 115-116 BHP के आसपास जो है पावर देती है और लगभग 300 Nm का जो है टॉर्क आपको ये गाड़ी देती है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बोल सकता हूँ, मतलब पिकअप वगैरह के मामले में। वैसे जो पेट्रोल इंजन है ना वो आपको ज़्यादा पावर देता है बट उसमें टॉर्क फिर कम है। तो चलिए फर्स्ट गियर में जो ना मैं चेक करता हूँ इसमें लाइक आपको कैसा पिकअप वगैरह मिलता है। तो मैनुअल है ये देखो, सेकंड गियर में भी इसने एकदम से व्हील स्पिन किया। तो डीजल में क्या है ना वही डीजल वाली फील आपको देखने को मिलेगी, वो इंस्टेंट जो है ना टॉर्क आपको देखने को मिलेगा जब आप कहीं लाइक ऑफ रोड वगैरह कर रहे हो या फिर वहाँ पे आपको जो उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट ऑन रोड जो है ना ऐसे आपको कोई बहुत ज़्यादा पावर इसमें फील नहीं होती, लेकिन जब आप पेट्रोल इंजन चलाओगे ना इसका टर्बो पेट्रोल, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन, क्योंकि उसके अंदर अराउंड 130 PS की जो है पावर आपको मिलती है। और नॉर्मली यदि मैं सिटी में चल रहा हूँ ना तो डीजल आई थिंक आपको बढ़िया माइलेज भी देगा और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकल रहेगा ये, क्योंकि एक तो साइलेंट इंजन है इसके, पेट्रोल वाला भी बिल्कुल साइलेंट और ये डीजल भी, कैबिन में कोई बहुत ज़्यादा नॉइस यहाँ पे नहीं आती। और इसके स्टेयरिंग में भी ना आपको 2-3 मोड्स मिल जाते हैं, वरना बहुत कम गाड़ियों में मिलते हैं स्टेयरिंग मोड्स वगैरह। महिंद्रा के लिए जो XUV300 थी पहले उसमें भी आपको मिलता था, तो ये फीचर अभी भी इन्होंने रखा है। ये देखो यहाँ जो है ना बटन आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड अभी जो है लाइक मिल गया, जिसमें कि आप लाइक हाईवे वगैरह पे जब आप स्पीड में लाइक चला रहे हो गाड़ी तो जो स्टीयरिंग है ना वहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फीडबैक देगा। अब सिटी में आप चल रहे हो तो नॉर्मल मोड रखो, ये कंफर्ट मोड है, ठीक है, नॉर्मल मोड है, तो नॉर्मल में ही मैं चला रहा हूँ। सिटी में आपको जैसे अभी मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा, बट जब आप हाईवे पे चल रहे हो ना ज़्यादा स्पीड में तब आपको स्टीयरिंग का पता चल जाएगा कि हाँ भाई स्टीयरिंग भी कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो अभी जैसे मैं ट्रैफिक में हूँ तो इसकी जो क्लच है ना वो काफ़ी लाइट है, मतलब इसी को यदि मैं टाटा से कंपेयर करूँ ना तो भाई टाटा की नेक्सॉन भी मैंने चलाई है मैनुअल में, अभी कुछ दिन पहले डीजल आई थी तो वो अपन ने चलाई थी, उसकी जो क्लच है ना उसमें कहीं ना कहीं जर्क फील होता था, मतलब जैसे तो कुछ उसके टच हो रहा हो, वो स्मूथली जो है ना पैडल नहीं दबता था और ना ही स्मूथली उठती थी। तो हो सकता है उस गाड़ी में हो बट फिर भी उससे मेरे को ये स्मूथ लग रही है। ये जो क्लच है ना आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ भाई जो अपनी लाइक जो जापानीज इंजन होते हैं ना लाइक टोयोटा वगैरह मारुति वगैरह, वो वाली क्लच जो है ना यहाँ पे आपको मिलता है, वो वाला फीडबैक आपको मिलेगा। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्लच जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है या फिर ऐसा कुछ, तो बड़ा प्यारा इंजन है, इंजन भी बढ़िया है और ये जो है क्लच वगैरह गेयरबॉक्स भी जो है ये देखो आप एक उंगली से कर सकते हो भाई इसको, तो गेयरबॉक्स भी काफ़ी बढ़िया शिफ्टिंग यहाँ पर करता है। अभी जो है ना यहाँ से अपन यू टर्न लेंगे और टर्निंग रेडियस देखते हैं गाड़ी का कैसा है, क्योंकि मेनली सिटी में जो है ना बड़ी गाड़ियों में यही दिक्कत आती है कि यार गाड़ी घूम पाएगी कि नहीं घूम पाएगी। तो ये देखो इसका स्टेयरिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट है सबसे पहले तो, और काफ़ी इजीली जो है ना निकल गई है, मतलब बहुत कम जगह भी नहीं लेती और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेती, तो ये है कि आप इजीली जो है गाड़ी को निकाल सकते हो। और इसमें यदि माइलेज का मैं आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पे जो है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से जो है ना पूरी सेटिंग्स वगैरह आप चेक कर सकते हो इसकी। तो फिलहाल जो है ना एवरेज स्पीड वगैरह दिखा रहा है इसके अंदर, और फ्यूल इन्फो में अपन जाएंगे तो ये देखो इसमें जो है रियल टाइम माइलेज भी दिखाता है, और बाकी जैसे सिटी में चलती हैं तो इसके अंदर 10.8 की शो कर रहा है। तो इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ, ये देखो अभी रीसेट हो गया ना, तो अभी आप सिटी में लाइक क्या माइलेज निकाल सकते हो वो देखते हैं। तो सिटी के हिसाब से जो अभी फ़िलहाल इसके अंदर एवरेज माइलेज शो करेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी ये है कि यहाँ पेट्रोल में भी कंपनी अराउंड 20 के आसपास जो है क्लेम कर रही है,
और डीजल में भी ऑलमोस्ट इतनी आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि भाई डीजल में इसका मेन कंपटीशन है नेक्सॉन। तो नेक्सॉन डीजल जो है ना आराम से भाई 20-22 की माइलेज दे देती है। तो अब ये गाड़ी क्या देती है वो मैं भी आपको बता दूंगा। उसके बाद हाई स्पीड पे गाड़ी कैसा बिहेवियर करती है वो भी अपन हाईवे पे चेक करेंगे, कि इसके जो RPM है वो किस हिसाब से सेट किए हैं, ब्रेकिंग वगैरह इसमें अच्छी है, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे हैं, कहीं से भी आपको जो पुरानी वाली महिंद्रा थी ना वो फील नहीं आएगी। तो भाई आज की डेट में ना महिंद्रा की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो चुकी है, तो आप कंपेयर कर सकते हो जापानीज इंजन के साथ में। तो यहाँ पे जो है ये देखो, अभी मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ और अराउंड 50 की स्पीड पे मैं ले लेता हूँ। 50 की स्पीड पे भाई ये 1500 RPM पे चल रही है। यदि इसी को मैं थोड़ी सी और हाई स्पीड पे लेके जाऊँ तो ये देखो 60 की स्पीड पे अराउंड 1300-1400 RPM पे फिफ्थ गियर में चल रही है। अब जो ना हाईवे पे पता चलेगा कि हाईवे पे ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है हाई स्पीड में, लाइक क्रूजिंग स्पीड अपन क्या सेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मेरे को चेक करनी है। तो उसके लिए हाईवे पे अपने को चलना पड़ेगा या फिर कोई खाली रोड जहाँ पे गाड़ी को अपन चला पाए अच्छे से। तो ये देखो कॉन्फिडेंस आपको ना पूरा मिलेगा जब आप लाइक ऐसे कम जगह वाली जगह से निकल रहे हो ना वहाँ पे, क्योंकि एक तो मिरर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है इसका, लाइक पूरा जो है व्यू आपको मिलेगा, आगे विंडशील्ड भी जो है काफ़ी बड़ी दी गई है, तो जो पूरा बोनट है ना वो भी आपको दिखता है, तो जजमेंट लेवल जो है ना कहीं से भी कम नहीं होने वाला। बाकी फीचर्स वगैरह के बारे में अलग से एक वीडियो डाल दूँ, तो उसमें आप लोग फीचर्स वगैरह देख लेना। ये वही सारे वही फीचर मिलेंगे जो आपको लाइक XUV700 मिलते हैं, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह ये सब मेन होते हैं, मतलब मेनली तो यही यूज करते हैं, बाकी तो यार कौन ही इसके अंदर घुसता है। तो प्रैक्टिकल जो फीचर्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। बाकी हाँ, जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी प्रीमियम है, पहले भी प्रीमियम था अब भी प्रीमियम ही है। ये कि अब पियानो ब्लैक वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ कर दिया तो ये और ज़्यादा बढ़िया लग रही है पहले से। ड्यूअल जोन एसी है जो कि भाई फर्स्ट इन सेगमेंट में बोलूँगा, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई इन सब चीज़ों के पीछे पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर महिंद्रा ने जो है ना ड्यूअल जोन एसी दिया है, तो ड्यूअल जोन एसी का मतलब ये है कि भाई साइड वाला बंदा अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है और मैं अपने हिसाब से। तो मोस्टली जो है अपने भाई 40-50 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों मिलते हैं फीचर, जो कि XUV 3XO में आपको लाइक ये सारे फीचर मिल जाएंगे। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये कहीं ना कहीं किसी भी गाड़ी को ना अपने सेगमेंट में अलग बनाती है। तो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि यार वो अपने सेगमेंट में अलग से निकल गया है। तो वैसे ही इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें जो ना मैप वगैरह भी आप चला सकते हो, इसकी स्क्रीन में पूरी स्क्रीन में जो ना मैप वगैरह चल जाता है जब आप इसको कनेक्ट करते हो लाइक एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले, तो मैप स्क्रीन में तो चलेगा ही, आप अपने कंसोल में भी उसको चला सकते हो। तो ओवरऑल जो ना फीचर्स के मामले में कोई कमी आपको नज़र आएगी नहीं, एंड इसमें जो आपको वायरलेस चार्जर भी जो है देखने को मिल जाता है, एंड हॉर्न जो है काफ़ी बढ़िया है। हॉर्न यहाँ पे नेक्सॉन से बढ़िया है, जो पोंपो वाला होता ना ये भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, तो ये हॉर्न जो है मैं बोलूँगा कि हाँ ये काफ़ी बढ़िया दिया है। वरना कई गाड़ियों में वही आज भी सिंगल हॉर्न आता है टी वाला, तो उसमें फिर वो फील भी नहीं आती। तो अभी जो थर्ड गियर में मैं हूँ तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। सिक्स्थ गियर में मैं चेक करना चाहता हूँ कि अराउंड 80-100 पे ये क्या RPM शो करती है। अभी जो रोड है नहीं खाली, वरना मैं अभी करता ट्राई। वैसे इंजन जो है ना बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता यार, मतलब अभी जो है ना कैबिन बिल्कुल साइलेंट है। यदि आप म्यूजिक वगैरह बजा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई इंजन ऑन भी है, क्योंकि ये जो रिफाइनमेंट अपने को महिंद्रा में अब देखने को मिली है, जब से XUV700 आई है ना तब से भाई इनके सारे प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहे हैं। तो अभी फिफ्थ गियर में मैं हूँ और अराउंड 80 की स्पीड पे ये 1800 RPM पे चल रही है, और वही जब आप सिक्स्थ गियर में शिफ्ट करोगे तो मेरे को लगता है भाई 80 की स्पीड में डीजल इंजन लगभग 1500 RPM आपको लाइक 1500 RPM पे 80 की स्पीड में चलेगी, एंड वही 100 की स्पीड जो है 2000 RPM के आसपास जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना हाईवे पे माइलेज निकालने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब इसके अंदर देखो सिटी में जो है ना इस इंजन ने 10 की माइलेज शो कर रहा है, तो सिटी के हिसाब से ना ठीक है, मतलब 10-12 की माइलेज ही देती है यार ये जो भी लाइक इस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है। मेन जो हाईवे पे आप क्रूज़ करोगे ना तब ये गाड़ियाँ बताती है कि हाँ क्या माइलेज निकलेगी। जब हाईवे पे आप क्रूज़ करोगे तो अच्छी खासी माइलेज जो आप इनसे निकाल सकते हो, क्योंकि सिटी में आपको पता है भाई किस हिसाब से दिल्ली गुड़गांव में ट्रैफिक होता है, तो फिर आपको ऐसा ही जो है लाइक जो है नंबर देखने को मिलेंगे ऐसे ही। हैंडलिंग वगैरह जो है काफ़ी स्मूथ है, इसके सस्पेंशन वगैरह तो जो भाई पहले से ही कंफर्टेबल है, क्योंकि XUV जो है ना कंफर्ट के मामले में भी काफ़ी बढ़िया जानी गई है। जब पहले मॉडल आता था ना उसके भी सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट होते थे, और इसके भी जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे फैमिली कार में बोल सकते हो कि एक बढ़िया लाइक जो है फैमिली कार बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको भाई एक तो फीचर्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है बच्चे वगैरह बैठे हैं कोई भी बैठे हैं तो भाई आराम से वो जो ना इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जो ना कहीं से भी बोरिंग नज़र नहीं आएगी। तो अंदर से ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स इसके हैं, और किसी को भी दिखाओगे तो भाई पहली नज़र में जो पसंद आने वाली चीज़ है ये। तो अभी जो ना मैं इसको लेके जाता हूँ सिक्स्थ गियर में, जो RPM वाली बात कर रहा था ना मैं,
वो चीज अभी अपन टेस्ट करेंगे। तो ये देखो भाई, वही मैं बोल रहा था आपको, लगभग 100 की स्पीड में ये जाएगी 2000 RPM पे। तो सही है, हाईवे पे जो है ना आप 100-120 इस पे क्रूज करो, बढ़िया माइलेज देगी, क्योंकि जो RPM है ना वो काफ़ी बढ़िया से सेट कर रखे हैं। और इंजन जो है ना आप चाहे हाई स्पीड पे चला रहे हो, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया बिहेवियर है। तो भाई ये AX5 वेरियंट था जिसका हमने अभी ड्राइव रिव्यू किया डीजल में। अभी जो है ना पेट्रोल में मैं आपको और बताऊँगा पेट्रोल में कितना क्या डिफरेंस लगता है। पिकअप वगैरह जो है ना, मतलब पेट्रोल में मेरे को लगता है जो लाइक टर्बो पेट्रोल है उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, बट जो नॉर्मल इनका पेट्रोल इंजन है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगे। तो ये था इसका ड्राइव रिव्यू, एंड यदि आपको पेट्रोल का भी ड्राइव रिव्यू देखना है तो आप मेरे MRD कार्स यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, उस पर जो है मैंने वीडियो डाल दिया। तो चलो यार मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।